फ्रेंड्स, मैं हूं अनुजा और आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम में जिसका नाम है ज़ायरोपैथी हेल्पिंग ह्यूमैनिटी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी के बारे में, जो आई एम श्योर आई डोंट नीड टू टेल कि कितनी गंभीर समस्या होती है और ये एक ऐसा छुपा दुश्मन है जिसके लक्षण काफ़ी देर बाद समझ में आते हैं। बट येस, अ क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी कैन लीड टू सीरियस लिवर कैंसर। क्या ज़ायरोपैथी में इसका कोई उपाय है? क्या ज़ायरोपैथी इसमें हमारी कोई मदद कर सकती है? लेट्स फाइंड आउट। ज़ायरोपैथी, वो विज्ञान जो फूड सप्लीमेंट्स के जरिए स्वस्थ जीवन प्रदान कर सकता है, और मानव जीवन से जुड़े इस विज्ञान के जनक हैं नरेश जी और उनकी सहयोगी कामायनी, जो पिछले कई सालों से इस थेरेपी पर शोध कर रहे थे, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और डिजीजेस के नियंत्रण और रोकथाम में काम आ सके। इनके अथक प्रयास और एक्सपेरिमेंट से इन्हें एक सिद्धांत मिला जिसे व्यवहारिक जीवन में ज़ायरोपैथी कहा गया, जिसका मतलब है एक ऐसी थेरेपी जो इंसानों की ओवरऑल वेलबीइंग के लिए है। इसके एक्सपर्ट्स कामायनी और नरेश जी लगातार कई सालों से ज़ायरोपैथी के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स दूर कर रहे हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये समझने के लिए कि कैसे ज़ायरोपैथी हमारी मदद कर सकती है हेपेटाइटिस बी को कंट्रोल करने में, उसको रिकवर करने में, ओवरकम करने में, हमारे साथ मौजूद हैं खुद ज़ायरोपैथी के जन्मदाता नरेश जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार नरेश जी। नमस्कार अनुजा। ज़ायरोपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर हेपेटाइटिस बी जैसी गंभीर समस्या आपको या आपके नज़दीकी को परेशान कर रही है एंड यू आर रियली ट्राइंग टू फाइंड आउट अ वे टू गेट आउट ऑफ इट, देन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि बस फ़ोन उठाएं, नरेश जी से बात करें। डिटेल्स आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी हैं, बस उनसे जुड़िए क्योंकि नरेश जी अपनी पूरी टीम के साथ आपकी मदद ज़रूर करेंगे। नरेश जी, जैसा कि मैं कह रही हूँ अबाउट हेपेटाइटिस बी, ये नाम सुनने में ही बहुत खतरनाक, बहुत ही डरावना लगता है एंड पीपल वॉन्ट टू बी अवे फ्रॉम हेपेटाइटिस बी, बट पहले आप प्लीज़ ये बताएं हमारे व्यूअर्स को कि हेपेटाइटिस बी होता क्या है। अनुजा जी, हेपेटाइटिस बी लीवर की एक समस्या है जिसमें वायरस के कारण ये प्रॉब्लम लीवर में आ जाती है और ये कई बार बहुत ही डॉर्मेंट तरीके से शरीर में बना रहता है ये वायरस, और जब भी इसको मौका मिलता है या कोई ऐसी चीज़ शरीर के अंदर जाती है जो इसे उकसा सके तो ये बहुत एग्रेसिवली, बहुत तेज़ी से बढ़ता है और ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि पेशेंट को बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये किन को होता है, किन को हो सकता है? हेपेटाइटिस बी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, इंटरकोर्स या फिर माँ से बच्चे में ट्रांसमिट हो सकता है। यही तीन तरीके हैं जिनसे हेपेटाइटिस बी की ज़्यादा संभावना है ट्रांसमिशन की। ओके, तो अभी नरेश जी जैसा आप बता रहे थे कि अगर मदर को है सो इट कैन बी ट्रांसमिटेड, इट्स अ कंजेनाइटल थिंग, सो इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू द, इसमें संभावना काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि यदि मदर को हेपेटाइटिस बी है तो बच्चे में ट्रांसमिट हो जाए। बट अगर ऐसा सिचुएशन है वेयर इन शी इज अ हेल्दी कैरियर एंड इट्स इन अ डोमिनेंट स्टेज, उस केस में भी होगा? उस केस में भी ट्रांसमिट होने की संभावना है। बट हाँ, एंड ट्रांसमिट होकर बच्चे को अफेक्ट कर सकता जी, है जी बिल्कुल। ओके, और बच्चा भी जीवन भर डॉर्मेंट कैरियर रह सकता है। ओके, ये जरूरी नहीं है कि वो एग्रेवेट हो जाए, एग्रेवेट हो जाए, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है। नरेश जी, हाउ डू यू डायग्नोज हेपेटाइटिस बी? हेपेटाइटिस बी की जो शुरुआत डायग्नोसिस की है उसमें लीवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है, और यदि लीवर फंक्शन टेस्ट एबनॉर्मल आता है और उसके सिम्टम्स यानी कि पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा तेज़ी से ख़राब होती हुई दिखती है तब हेपेटाइटिस बी का वायरल लोड चेक किया जाता है। अच्छा। जिससे जो एक फाइनल टेस्ट है जिसके जरिए ये पता चलता है कि हेपेटाइटिस बी का जो वायरस शरीर के अंदर है वो कितना एक्टिव है इस समय पर। क्या हेपेटाइटिस बी से लिवर कैंसर या सिरोसिस हो सकता है? अनुजा जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, और यदि सही टाइम पर सही इलाज ना किया जाए और इसे कंट्रोल ना किया जाए तो 10-25% केसेस ऐसे आते हैं जिनमें ये सिरोसिस या फिर लीवर कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही किसी प्रॉब्लम से परेशान हैं या आपका कोई नज़दीकी इस प्रॉब्लम को झेल रहा है, परेशान हो रहा है, देन यू जस्ट हैव टू पिक अप योर फोन, और डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी हैं। नरेश जी से जुड़िए, ज़ायरोपैथी से जुड़िए।
नरेश जी, आई मस्ट से जिस तरह से आप बता रहे हैं, इट्स अ वेरी सीवियर इशू एंड लोगों को बहुत सीरियसली इसको टैकल करना चाहिए विदाउट एनी नेग्लिजेंस. एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू मीट वन ऑफ योर पेशेंट्स, मिस रेखा. एंड कैसे यू नो उन्होंने ओवरकम किया ये हेपेटाइटिस बी को थ्रू ज़ायरोपैथी. सो लेट्स हैव अ लुक व्हाट शी हैज टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस. मेरा नाम रेखा है. मुझे एक दिन मेरे स्टाफ में लोगों ने बोला कि अरे आप बहुत पीले पीले दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात है. तो मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने देखते ही बोला अरे आपको तो जॉइंटिस हुआ है इतना ज़बरदस्त, और तुरंत टेस्ट कराइए. टेस्ट कराया, लेफ्टी में जो रिपोर्ट आई तो जॉइंटिस 9.6 आया. और उन्होंने मेरे हस्बैंड को बुला करके बोला इनको हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है. हम लोग दिल्ली आ गए. यहाँ आ करके हमने कुछ रेनाउंड हॉस्पिटल्स में दिखाया. जो रिपोर्ट्स लेफ्टी की 3 दिन बाद जो रिपोर्ट्स आई वो कई कई गुना वो सब कुछ बढ़ चुका था. क्योंकि मैं नरेश जी को पहले से जानती थी, सारे रिपोर्ट्स देखे और उन्होंने कुछ अपने फूड सप्लीमेंट बोले कि ठीक है आप ये जो डॉक्टर ने बोला है आप ले लो, लेकिन आप साथ में ये जो हमारा ज़ायरोपैथी है इसके थ्रू जो हम ट्रीटमेंट देते हैं आप वो भी साथ में लेकर के देखो. 3 महीने बाद जब हमने फिर से एलएफटी कराई तो जो रिपोर्ट्स आए वो मोर देन 50% चीज़ें सब कुछ नॉर्मल हो चुकी थी. दिल से ज़ायरोपैथी की टीम का और नरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ. वाओ वाओ, हम भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं नरेश जी आपका. आई मीन दिस इज सो नाइस. अभी आप एक तरफ इतनी सीवियरिटी बताते हैं प्रॉब्लम की और जब हम आप ही के पेशेंट्स का एक रिव्यू लेते हैं, सो दैट्स अमेजिंग. अनुजा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रेखा जी जिस कंडीशन में आई थी, यदि शायद एक हफ्ते भी इनका इलाज रुक गया होता, एक हफ्ते यदि डिले हो गया होता इनका इलाज जी, तो शायद ये दुनिया में नहीं होती. इट वॉज सो सीवियर व्हेन शी केम. डिड शी नो अबाउट इट? शी नोज नाउ, एंड उनको ये पता है कि ये कैसे रिकवर हुई. और इन्होंने ये जो इलाज था डॉक्टरों का वो तो शुरू किया ही था, लेकिन चूंकि ये पहले से हमें जानती थी तो इन्होंने ये रिपोर्ट्स लेकर हमारे पास आई. और आपको विश्वास नहीं होगा कि लगभग 45 सप्लीमेंट्स पर डे इनको मैं दे रहा था रिकवर करने के लिए. 45. और इनकी ये कंडीशन थी कि ये खड़ी नहीं हो सकती थी. मतलब शी वॉज सो वीक एंड टायर्ड. And she had already lost around 10 to 12 kg weight within 15 days time. So is the treatment still going on? नहीं, treatment नहीं चल रहा, लेकिन एक precautionary तौर पर उनका test हर 3 महीने बाद हमने बोला है कि आप अपना LFT जरूर करवाएं. करते रहिए. क्योंकि कभी कोई छोटी मोटी समस्या के कारण कोई भी दवा आप लेते हैं तो ऐसा ना हो कि सिचुएशन फिर से वैसे बननी शुरू हो जाए. सो नरेश जी, तो अगर हम बात करें कि ज़ायरोपैथी कैसे ट्रीट करता है हेपेटाइटिस बी को, तो उसका डिटेल प्रोसेस क्या होगा? अनुजा जी, ज़ायरोपैथी में हम चूंकि ये वायरस की समस्या है और वायरस को कंट्रोल करने के लिए शरीर के अंदर एक ही चीज़ है जो किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकती है, वो है शरीर का अपना इम्यूनिटी सिस्टम जी. तो हम दोबारा ऐसी इस तरह के सप्लीमेंट्स देते हैं जिनसे बॉडी का इम्यूनिटी लेवल बूस्ट होता है और वो इस तरह की हर समस्या को सप्रेस करके या शरीर से बाहर निकाल देता है. नरेश जी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी बहुत खुश होंगे ये जान के कि हेपेटाइटिस बी जैसी अगर प्रॉब्लम, इतनी गंभीर, इतनी सीरियस समस्या, अगर इससे अगर लोग बाहर आ सकते हैं तो किसी भी अन्य हेल्थ प्रॉब्लम्स का रास्ता कहीं ना कहीं ज़ायरोपैथी के थ्रू उनको जरूर मिल जाएगा. एंड ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ यू एंड योर टीम. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. दोस्तों, अगर आप भी हेपेटाइटिस बी या किसी भी अन्य हेल्थ प्रॉब्लम से ग्रसित हैं या आप एक पुख्ता ट्रीटमेंट चाहते हैं और ज़ायरोपैथी से जुड़ना चाहते हैं तो बस इस एड्रेस पर संपर्क करें. ज़ायरो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, फ्लैट नंबर 02, समता अपार्टमेंट, महावीर एनक्लेव, पालामेरिया, न्यू दिल्ली 110045. हमारे नंबर हैं 09313741870 और 09310741871. हमारी ईमेल आईडी है kamayaninaresh@yahoo.com. आप लॉग ऑन भी कर सकते हैं www.zyropathy.com. दोस्तों, अब समय आ गया है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन हम आपसे जुड़े रहेंगे अगले एपिसोड में. ज़ायरोपैथी के फिर से मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ एंड आई एम श्योर आपको काफ़ी सारे आंसर्स भी मिलेंगे इन केस इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी हेल्थ प्रॉब्लम्स. लेकिन उसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए ज़ायरोपैथी हेल्पिंग ह्यूमैनिटी. टेक केयर, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है. For more videos, subscribe to our channel, Care World.